दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। इन तस्वीरों को देखिए, ये राजघाट की हैं, जहां आज भी पानी भरा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, गेट से लेकर समाधि तक सब जलमग्न है। मयूर विहार का ये वीडियो देखिए, आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये हरिद्वार है। सड़क तो आपको नजर ही नहीं आएगी, पेड़ से लेकर घर सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है। आईटीयू में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, सड़कों में आवाजाही को लेकर परेशानी हो रही है। 6 दिन बाद भी लाल किले के इलाके में पानी जमा हुआ है। दिल्ली वालों पर संकट टला नहीं है, पिछले 5 दिन से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज यमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को अपने गिरफ्त में लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से अभी भी हाल बेहाल है। दिल्ली के इस हालात पर अब खुद पीएम एक्शन में है। यूएई से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बात की और बाढ़ के हालात की जानकारी ली, साथ ही बाढ़ के हालात पर लगाम लगाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पहुंचते ही फोन किया, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया, हालात कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी ली। पीएम ने फिर से केंद्र के सहयोग के साथ दिल्ली वासियों के हित में हर संभव काम करने का निर्देश दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस से भी गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी और दिल्ली को इस मुसीबत से निकालने के लिए हो रहे उपायों को लेकर चर्चा की थी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। लाल किला इलाके में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लाल किले से पीछे से जाने वाला रास्ता है जो कि अंडरपास से होते हुए ISBT की तरफ जाता है। यहाँ पर पानी के अंदर पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न है और यातायात के लिए इस रास्ते को बंद किया गया है। पिछले कई दिनों से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। वहीं निगम बोध घाट इलाके में भी अभी जल भराव है, सड़कें यहाँ दरिया में तब्दील हो गई हैं। यमुना नदी से आया सैलाब हर ओर दिखाई दे रहा है। कुछ पंप लगाकर जो है पानी को कम किया गया है, लेकिन पानी का लेवल अभी भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के टायर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। शाम भारी बारिश के बाद प्रगति मैदान इलाके में भी पानी भर गया। बारिश से यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है, जो कई दिनों से खतरे के निशान 206.8 मीटर से ऊपर बह रही है। दिल्ली में आई बाढ़ ने जहां लोगों के लिए भारी संकट खड़ा कर दिया है, वहीं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ पानी छोड़े जाने को लेकर दोनों सरकारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कल रात को काफी भारी बारिश हुई है कई स्थानों पर, और अभी जहां जहां पे पानी भरा हुआ है, पानी वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि नालों में भी और यमुना में भी जल स्तर बहुत ऊंचा है, तो आखिरकार सड़कों से कॉलोनी से निकलकर पानी को ड्रेन्स में जाना है और ड्रेन से यमुना में जाना है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत पलटवार किया। हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। इस बीच दिल्ली में आईटीओ के नजदीक बैराज के 32 में से 5 गेट न खुलने की मीडिया रिपोर्ट्स का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के 2 इंजीनियर इन चीफ की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। मॉनसून का असर देश के कई राज्यों में अब भी जारी है और आने वाले समय में भी ये मुसीबत हटने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 2 दिन तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। भारी बारिश और बाढ़ से पहाड़ी इलाकों में हालात खराब हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। चमोली में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सावधानी बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 24 शव मिले हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान 8 शव मिले हैं।
असम के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शनिवार को तो ये स्थिति और खराब हो गई। प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1,00,000 से ज्यादा हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख नदियां उफान पर हैं और राज्य के 17 जिले प्रभावित हैं। ASDMA के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। असम में 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सीएम हेमंता ने शुक्रवार रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बाढ़ की स्थिति के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए राहत और पुनर्वास उपायों से अवगत कराया। उन्होंने स्थिति के लिए राज्य को 340 करोड़ रुपए जारी करने के लिए भी शाह को धन्यवाद दिया। लोगों तक राहत पहुंचाने और बाढ़ से निपटने के लिए सड़क सह तटबंध बनाने के प्रयास कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर NDA में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका NDA परिवार में स्वागत करता हूं। NDA में शामिल होने के बाद राजभर का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और BJP ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक और बड़ी ताकत पैदा होगी। हम कहा जाए कि यूपी सरकार में मंत्री के तौर पर भी आप रहेंगे? आइए वही सब बताते हैं। गठबंधन की सीटों पे तो लेकर बातचीत नहीं, अभी 18 तारीख को NDA में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी तो माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पुष्ट होगा ना कि ओम प्रकाश राजभर NDA में शामिल हो गए। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है, गृह मंत्री जी का सपना है, JP नड्डा जी का जो सपना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। Z News।